हूँ सुनीति शर्मा। नया साल आ रहा है तो क्यों ना कुछ नई चीज हो जाए। आज हम बनाएंगे छेना के लड्डू, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक कप छेना लिया है, ये मैंने घर पर बनाया था और उसे मैंने बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया है। इसको मैं एक बोल में डालूंगी। इसकी जगह आप पनीर भी ला सकते हैं। ये मैंने व्हाइट पेठा लिया है और उसे कद्दूकस कर लिया है। ये लगभग मैंने आधा कप लिया है। इसको हम इसमें मिला देंगे, आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। दो बड़े चम्मच मैं इसमें नारियल का बुरादा डालूंगी। एक चुटकी हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास पेठा नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। ये हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये हम लड्डू तैयार करेंगे। ये मैंने फूड कलर लिया है, ये ऑरेंज कलर है, और एक मैंने बोतल का ढक्कन लिया है। उसको हम इसमें डिप करेंगे और इस लड्डू के ऊपर हम इसे लगा देंगे। आप अपने मनपसंद कलर से भी इसको गार्निश कर सकती हैं। ये मैंने पिस्ता लिया है, उसे बारीक बारीक काट लिया है, वो हम इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। लीजिए, हमारे नए साल पर नई चीज बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे बनाइए और सर्व कीजिए।